आज हम आपको द्वारका रामलीला महोत्सव 2018 के मंचन में दिखाएंगे बाबरी सुग्रीव युद्ध हनुमान का वाटिका में उधम और लंका दहन। एक ही बाण से वध कर दूंगा, भले ही वो ब्रह्मा और शंकर की शरण में ही क्यों ना चला जाए, किंतु अपनी प्राण रक्षा नहीं कर पाएगा। दस्त वाले बाहर निकल। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दो, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था, पर तुम दोनों एक रूप के हो, ये देख के धोखा खाता था। अच्छा, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। सुग्रीव राज, बाली की गदा से जो चोटें तुम्हें पहुंची हैं और उनसे जो तुम्हें पीड़ा हो रही है, हम उसका निवारण अभी किए देखेंगे। ये कैसा चमत्कार है? आपके स्पर्श से मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मुझमें पहले से ज्यादा ऊर्जा आ गई। प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार बाली को दोबारा युद्ध के लिए ललकार दो। मुझे शंका हो रही है। शंका? कैसे शंका? स्वामी, सुग्रीव जी जिनसे जाकर मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल के निधान हैं, वे काल को भी जीत सकते हैं। कृपया करके आप उनसे युद्ध ना करें। आज तक कोई पृथ्वी पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बाली को लड़का सके। बाली कब तक अपने स्त्री के पल्लू में छुपके बैठेगा? बाहर निकल और युद्ध कर मुझसे। देख रही हो तारा कैसे मुझे ललका रहा है? आज तो यह वो जिंदा रहेगा या मैं? ठहर जाइए स्वामी, ना जाइए। अब नहीं बचेगा,
भाली को किसने मारा है? अरे पापी, तू मुझे छल से हर कर लाया है। इच्छा की कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं कायर है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। छल बल नहीं और कुछ ध्यान, दश कंधर तो चाहता है दया दृष्टि का दान, पर तुम्हें अब भी पर्दा है, आंखें नीची रखती हो, बातें दश कंधर से करती हो और तिनके की ओर निहारती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझा है, जो सीता बार बार तिनका दिखाती हो? जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनके पास सदा, ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी उनके पास सदा, फिर तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे उन्हें प्रभु के पास मुझे, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीता, अरे महाराज, तू मेरा अपमान कर रही है, याद रख, यदि तू मेरा कहा नहीं मानेगी तो इस चंद्रहास से तेरा शीश काट कर पृथ्वी में गिरा दूंगा। मेरे कष्ट को हमें, मेरी चिता को अग्नि देने के लिए पृथ्वी पर नहीं आता। हे अशोक के वृक्ष, तू ही अपने नाम को चरितार्थ कर और मेरे कष्ट को हर ले। बात से ही मेरे शरीर में तुमने रक्त का संचार हो जाएगा। पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, देती हूँ आशीर्वाद तुम्हें, दी शक्ति तुम्हें, दी युक्ति तुम्हें, दी मुक्ति तुम्हें, दी भक्ति तुम्हें, माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा, श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचंद्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। उपकार उपकार माता उपकार, आपके आशीर्वाद से मेरे शरीर में तुमने रक्त का संचार हो चुका है। हे माता, अब तो ये आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, निसंकोच कहो पुत्र। है माता, अब बिना एक यद्यपि हृदय दहलता है, मुख खोल माँ से कहूँ कैसे, बालक का चित्त मचलता है, आया हूँ सिंधु लांगर में, इस कारण भूख सताती है, ये वृक्ष फलों से लड़े थे, इच्छा भी बढ़ती जाती है। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, परंतु इस अशोक वाटिका की रक्षा बड़े बड़े मायावी राक्षस करते हैं, जो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं, इसलिए तुम सावधान होकर रहना। हे माता, इस बाग में जो माली है उनका किंचित ना भय मुझे, जब कृपा दृष्टि राम की हो तो कौन दुष्ट मुझसे लड़े। हे माता, फिर प्रभु ने ही तो ये सब रंग रास रचाया है, अरे रावण ने तो बरसों से ये बात मेरे लिए ही लगवाया है। माता, मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं वृक्षों के फल खाकर अपनी भूख को शांत कर सकूं।
जय श्री राम।
जय। युवराज इंद्रजीत की जय। में दूध को मारना अनुचित है, इसीलिए इसे क्षमा किया जाए या मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा दंड दिया जाए। अच्छा विभीषण, तुम्हारे कहने से मैं इस बानर को छोड़ देता हूं, किंतु इसको सजा के बिना लंका से नहीं जाने दे सकता हो। तुम सबसे कहते हो विभीषण, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, राजनीति के बड़े ही ज्ञाता हो। वानर को अपनी फौज बहुत प्यारी होती है। सैनिकों, इस वानर की पूंछ में घी तेल के कपड़े लपेटो, आग लगाकर पूरे नगर में घुमाओ। जब गली पूंछ से जाएगा तो अपने मालिक को जाकर भड़काएगा। शीघ्र अति शीघ्र उसको यहाँ पर लड़ने के लिए लेकर आएगा। लंकाधिपति रावण की जय। लंकाधिपति रावण की जय। हनुमान जी इस लंका में आग लगाने के लिए तैयार है, आप लोग सावधानी बरतेंगे और जब लंका में आग लगे तो एक जोरदार नारा देने लगाएंगे आप लोग खुद से ही। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली।